कसरावद में कब्रिस्तान के सामने संचालित हो रही शराब दुकान मुस्लिम समुदाय के लिए परेशानी का सबब बन बैठी है। इस बात का पता तब चला जब समुदाय और भीम आर्मी के साथ सड़क पर उतरा और आंदोलन की चेतावनी दे डाली। दरअसल मामला खरगोन जिले के कसरावद का है, जहां खरगोन मार्ग पर कब्रिस्तान के सामने ठेके की शराब दुकान का संचालन हो रहा है। लिहाजा मामले को लेकर समुदाय का कहना है कि शराब ठेकेदार असामाजिक तत्व कब्रिस्तान के समीप उत्पात मचाते हैं और पाक जगह पर खाली बोतल फेंक जाते हैं। इसी बात पर भीम आर्मी सेना और मुस्लिम समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है और दुकान को हटाने की मांग को लेकर आपका अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान समुदाय ने बताया कि नशे में धुत असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने जैसे कृत्य कर रहे हैं, जिस पर नकेल कसने के लिए दुकान को हटाया जाए। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। यहाँ की हमारे नगर कसरावद के इंदौर रोड पर खासी है, इतनी खराब दुकान है जब हमारे मरीज जवान लोग सामने संचालित हो रही है, जो कि आए दिन शराबियों के द्वारा शराब की खाली बोतलें हमारे कब्रिस्तान के अंदर एवं बाहर गेट पर फेंकी जा रही है। शराब दुकान हमारी मुस्लिम समाजजनों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रही है एवं कसरावद नगर की शांति भंग करने का काम कर रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। यह कि शासकीय शराब दुकान के ठेकेदार एवं कर्मचारी को बार बार समझाते हैं कि आप लोग शराबियों को समझाओ कि शराब की पीने के बाद खाली बोतलें कब्रिस्तान के अंदर या बाहर गेट पर ना फेंकें और ना ही कब्रिस्तान के सामने वाहन खड़ा करें, तो ठेकेदार द्वारा कहा जाता है कि हमें शासन की ओर से ठेका मिला है, आपसे जो बने वो कर ले। यदि यह कि इस्लाम धर्म में शराब को हराम करार दिया गया है, जो कि शराब दुकान के कब्रिस्तान के सामने लगने से एवं शराब की खाली बोतलें कब्रिस्तान के अंदर फेंके जाने गेट के सामने पटकने से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते कसरावद नगर के सांप्रदायिक एवं शांति भंग हो सकती है। बड़ी चिंता का विषय है शराब की दुकान कब्रिस्तान के सामने होने से शराबी आए भी कब्रिस्तान के सामने खड़े होकर जोर जोर से गाली गलौज करते हैं, जिससे कब्रिस्तान के अंदर मुस्लिम लोगों द्वारा उनकी आत्माओं की शांति के लिए कुरान की आयतों का उच्चारण किया जाता है एवं उनके लिए दुआएं मांगी जाती है, जो कि शराबियों के द्वारा खलल पैदा की जाती है। यहाँ की शराब दुकान की वजह से मुस्लिम जनों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं शराब दुकान के ठीक सामने इंदौर रोड पर शराब पीकर गाड़ी से स्ट्रीट में निकालते हैं एवं रोड पर ही वाहन खड़ा कर शराब लेने के लिए दुकान पर चले जाते हैं एवं गाड़ी में बैठकर ही रोड पर खुले आम शराब पीते हैं, जिसे कभी भी बड़ा हादसा एवं दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के शासन द्वारा भी शराब दुकान के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत स्टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अभी तत्काल मैं अभी आबकारी विभाग का जो क्षेत्र के अधिकारी हैं, मैं उनसे बुला के भैया मैं उनके साथ चर्चा करूँगा कि इसमें किस नियम के तहत इनको इस क्षेत्र में आवंटित किया गया है दुकान, फिर उसके आधार पर मैं प्रतिवेदक जिला आबकारी अधिकारी और कलेक्टर महोदय को भेजूंगा कि इसको हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि जो भी इस तरह के कार्रवाई में लिप्त है, जो गलत गतिविधियों में लिप्त है, कि जो सामने वहाँ शराब पी रहा है, जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहा है और विशेषकर अपने धार्मिक स्थल पर पी रहा है, तो उसको आप नामजद आप उसका विवरण दें, जिसके तहत हम FIR दर्ज करवाकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, गाइडलाइन के हिसाब से जो बता रहे हैं कि गाइडलाइन के हिसाब से दुकान जो है ये गलत है, गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, तो इसको लेकर जो विभाग ने जो लापरवाही बरती उस पर अगली कार्रवाई। मैं अभी आबकारी विभाग के साथ ही बैठूंगा कि किस नियम कायदे के तहत इनको आवंटित की गई है स्थल पर दुकान, तो उसके संबंध में ये नकारात्मक प्रतिवेदन या जैसा भी रहेगा वो मैं टिप्पणी सहित अपने अभिमत सहित मैं कलेक्टर महोदय को भेजूंगा। तो इसमें चूंकि जिले स्तर पर ठेका होता है, तो मुख्य कार्यवाही कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारी अनुशंसा सहित हमारी टीम के आधार पर की जाएगी। अभी बिल्कुल अभी हम लगातार टच में रहते हैं, जो थाना प्रभारी हैं, तो अगर आप लोग विशेष चाह रहे हो कि ये प्रबंध किया जाए तो आप बिल्कुल बता दें हमको, अदरवाइज हम लोग नीचे टच में रहते हैं। अंतिम में हमारा काम यही है कि अपना सब लोग बिल्कुल शांति व्यवस्था बना के रखें। मुख्य समस्या ये है कि शराब दुकान कलाली के सामने कब्रिस्तान है और वहाँ पर शराब पी कर अंदर बोतलें फेंक रहे, बाहर भी है वहाँ पर, उसकी शिकायत हमने की है और कई बार उन्होंने समझाया और उनके समझ में नहीं आए, उसके बावजूद
हमने ये कदम उठाया कि ज्ञापन SDM साहब को दिया जाए, और SDM साहब भी नहीं करेंगे तो हम उसके लिए चक्का जाम और आंदोलन करेंगे। ये स्टेट हाईवे के सामने, ठीक कब्रिस्तान के सामने विदेशी शराब दुकान हटाने संबंध में इसको तत्काल हटाने के लिए ज्ञापन दिया है। अच्छा, अगर अगली कार्रवाई नहीं होती तो क्या करोगे? कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन किए जाएंगे भीम आर्मी द्वारा, उसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। पूरे जिले में जगह जगह ज्ञापन विज्ञापन और धरना प्रदर्शन होंगे। समस्या ये है कि जो है, जो इंदौर खरगोन रोड के ऊपर विदेशी शराब दुकान जो खोल रखी है, हमारा सबसे बड़ा विरोध है कि उसको तुरंत हटाई जाए। वहाँ हमारे कब्रिस्तान का गेट है और गेट के सामने जो है कुछ लोग शराब पी करके जो है बाटले फेंकते हैं, पाउच फेंकते हैं, और आए दिन वहाँ विवाद होने का डर है, शांति भंग होने का डर है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग रात में बैठ करके अंदर, जहाँ हमारे लोग जो है जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, उस जगह पर जाकर के शराब पी करके बैठते हैं वो और बाटले फेंकते हैं। क्या आश्वासन मिला प्रशासन को? अभी प्रशासन द्वारा हमको जाँच कराने का आश्वासन दिया गया है। आबकारी विभाग से वो बात करने के लिए बोल रहे हैं। अगर उन्होंने समय रहते हुए एक सप्ताह के अंदर अगर वो दारू दुकान को नहीं हटाई तो हमारी भीम आर्मी और हमारा मुस्लिम संगठन जगह जगह आंदोलन करेगा और जिले में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।